नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीएमआर भारत टीवी में और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अनूपगढ़ में आज ग्राम पंचायत 90 जीबी में कृषि विभाग के द्वारा किसानों को मूंगी के बीज वितरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच जर्नैल सिंह जम्मू के द्वारा वितरित किए गए। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कुमार सरगरा, एलडीसी इंद्राज, कृषि विभाग के अधिकारी रिम्पी रानी, वार्ड आदि उपस्थित रहे। जम्मू ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों का पूरा ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार की बीज हो वो भी सरकार उसका पूरा ध्यान रखती है। सरपंच ने अधिकारी को निर्देश दिए कि जो इस योजना के पात्र हैं उन सभी किसानों को लाभ मिलना चाहिए। अधिकारी ने पूरा विश्वास दिलाया कि ग्राम पंचायत में पात्र किसान वंचित नहीं रहेगा। बीकानेर संभाग स्तरीय गौशाला संचालक सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन वेटनरी ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति अनूपगढ़ राधेश्याम बत्रा व महामंत्री सुभाष सरावगी द्वारा राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन, गोपाल विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर लाल सिंह, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर हुक्मा राम, गौ सेवा संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष ललित दादीच व कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमल सिंह निमराणा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गोपाल कृष्ण गौशाला समिति भानवावाला की तरफ से महावीर प्रसाद भादू, सतपाल सहारण, राधेश्याम झाकड़, वेद प्रकाश राव, कृष्णलाल विश्नोई, सुरेंद्र स्वामी, दो डी डी से सुभाष व राम भरोसे गौशाला घरसाना मंडी के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पदमपुर के 36 आरबी फकीरावाली के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित होकर बस अचानक से पलट गई। बस के पलटने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए हैं और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायल सवारियों को पदमपुर सीएचसी में लाया गया। हादसे के समय पदमपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसी समय गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर के लिए रेफर किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये बस रीडमल से पदमपुर की तरफ आ रही थी, तभी रास्ते में ये सड़क हादसा हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।